दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रबीउल इस्लाम और आप देख रहे हैं अपना चैनल हिंदी में हेल्प। तो दोस्तों, आज हम अप स्टॉक में अपना अकाउंट एक्टिव करना सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि अप स्टॉक में कैसे अपना अकाउंट एक्टिव किया जाता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अप स्टॉक में, थोड़ा सा टाइम लेगा आपको। यहाँ पर हम लॉग इन करना सीखेंगे, ठीक है। हम अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा बस एक मिनट का टाइम लूँगा। तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप नए हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं तो आप हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हम बैक करेंगे और हम अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चलेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मेल आया हुआ है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है, कॉन्ग्रेट्स, योर अपस्टॉक अकाउंट इज़ नाउ एक्टिवेट। तो यहाँ पे हमें यूज़र आईडी भेजा है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर यूज़र आईडी ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड भी सेम, हमें पासवर्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे एक्चुअली ये जो पासवर्ड है ये बेकार है, वन टाइम के लिए होता है, फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। तो इस पासवर्ड को भी हम कॉपी करते हैं और आप स्टॉक में चलते हैं। यहाँ पे पासवर्ड हम पेस्ट करेंगे, एक्चुअली यूज़र आईडी चला गया। तो यहाँ पे ऐसे करते रहेंगे तो दिन भर लग जाएगा। हम यहाँ पे यूज़र आईडी कॉपी करके सॉरी पहले यूज़र आईडी कॉपी कर लेते हैं। यूज़र आईडी कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस पासवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, नया पासवर्ड बनाएंगे। तो नया पासवर्ड बनाने के लिए हम फॉरगेट पासवर्ड पर चले जाएँगे। ओपन कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमें डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट पे है, जो डॉक्यूमेंट हमने दिया हुआ है अप स्टॉक पे, ठीक है, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो मैं वो OTP यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें नया पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नया पासवर्ड बना लेता हूँ। तो पासवर्ड बनाने के बाद हम इसे रीसेट करेंगे, तो मैंने रीसेट कर दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड इस सक्सेसफुली रीसेट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ब्रोकर का डिटेल सारे यहाँ पे नीचे है, उनका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर सब दिया हुआ है। तो हम अभी बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम फिर से आप स्टॉक पे आके लॉगिन करेंगे। सबसे ऊपर यूज़र आईडी डालेंगे, जो पासपोर्ट हमने बनाया है उस पासपोर्ट को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, और साइनिंग करेंगे। साइनिंग करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। आई थिंक आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका मोबाइल का पिन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे कंफर्म करने बोल रहे हैं, पासपोर्ट स्मार्ट लॉक टू कुछ है यहाँ पे, ठीक है, ईमेल आईडी। तो ये आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, हम सक्सेसफुली अप स्टॉक में लॉग इन हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर्स में एम्प्टी है, पोर्टफोलियो एम्प्टी है, फंड में भी एम्प्टी है, इन्वेस्ट में भी हमारा कुछ इन्वेस्ट नहीं है, अभी हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करना है। तो इस तरह दोस्तों काम करता है ये अप स्टॉक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।